सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम जानेंगे अब इस तरह की लिरिक्स स्टार्टर्स वीडियो कैसे बना सकते हैं, जो कि अभी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंड चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इस तरह के स्टार्टर्स वीडियो बनाने के लिए पहले आपको मोबाइल में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस आइकन जाना है। जाने के बाद आपको जैसे 4:5 रेशियो को सिलेक्ट करके आपको जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे ऐड करना है सॉन्ग, तो सॉन्ग का लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, अगर आप ये वाला सॉन्ग यूज करना चाहते हैं। उसके बाद प्लस आइकन जाना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, जो सॉन्ग आपको मिला है वो सॉन्ग को इधर से ऐड कर लेना है, जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे 3 डॉट में जाकर आपको जैसे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है, उसका जो वीडियो है इधर से आपको डिलीट करना है, उसका जो MP3 सॉन्ग है इधर से आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे क्या करना है, लिख एंड लिरिक्स। तो लिरिक्स लिखने के लिए स्टार्टिंग में आना है, प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है। जाने के बाद जो भी पहला लिरिक्स है आपको एक लाइन में आपको कैपिटल लेटर में आपको इस तरह लिख लेना है। तो इधर से मैं लिख लेता हूँ। लिखने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा, उसको आपको बीचों बीच ले आने, फॉन्ट में जाने। जाने के बाद आपको ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करना है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। साइज़ में जाकर उसका जो साइज़ है आपको जैसे 48 PT कर लेना है, उसके एक लाइन में इस तरह कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे राइट क्लिक करना है, जो कि इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे प्ले करके सुनना है अपने जो लिरिक्स लिखा भी वो कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड रहे उतना सेकंड तक आना है, बाकी का जो पार्ट है इधर से आपको ट्रिम कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह आ जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला है उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कॉलर में जाना है, उसका जो कॉलर है आपको इधर से ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको वो लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इधर से आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। उसके बाद जो नीचे वाला लेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कॉलर में जाकर उसका जो कलर है आपको जैसे व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाला लेयर है एंड वाला उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, सॉर्च में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे सॉर्च करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस, ये वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको एक प्लस आइकन देना है, देने के बाद आपको जो स्टार्ट है उसको थोड़ा इंक्रीज करके 0.5 आपको इतना रख लेना है। उसके बाद एंड में जाना है, एंड में जाकर एक प्लस आइकन देना है, देने के बाद उसको आपको इंक्रीज करके 95 के आसपास आपको देखना है। टेक्स्ट पूरा जितना भी एंड हो जाता है उतना तक आपको उसको ले आना है। तो जैसे मैं कर लेता हूँ, जो कि 100 में हो जाता है, आपको देख के करना है कि आपका परफेक्ट टेक्स्ट कितना सेकंड तक जाता है। तो जैसे मैं 99.9 रख लेता हूँ, परफेक्टली हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद आपको एंड में एक की ऐड कर लेना है, उसके बाद स्टार्टिंग में आना है, एक की ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद स्टार्टिंग जो एंड है आपको क्या करना है, जैसे 0.5 के आसपास आपको देख के रख लेना है। तो जैसे मैं डिक्रीज कर लेता हूँ, जो कि 0.5 रख लेता हूँ, तो इतना आपको रख लेना है, जो कि ये परफेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, उसको आपको क्लोज कर लेना है। फिर से आपको ऐड इफेक्ट में जाना है, सॉर्च में जाना है, जाने के बाद आपको जैसे सॉर्च करना है ग्लो, उसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसका जो रेडियस है आप देख सकते हैं इधर से डिक्रीज करके 88 पे आसपास आपको रेडियस को सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर से मैं कर लेता हूँ, जो कि 88.0 कर लेना है। उसके बाद अल्फा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर क्लिक करना है, अल्फा जो है आपको जैसे क्या करना है 80% सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे हार्डनेस, हार्डनेस के ऊपर क्लिक करना है, उसको भी थोड़ा आपको जैसे इंक्रीज कर लेना है, 0.55 के आसपास आपको रख लेना है। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है कॉलर, तो कॉलर के ऊपर क्लिक करना है, जैसे जो भी कलर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो फिलहाल इधर से मैं व्हाइट दे देता हूँ। तो उसके बाद आपको जैसे बैक करना है, उसके बाद आपको जैसे क्लोज कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ आपको टेक्स्ट पर देखने मिलेगा। तो जैसे इस तरह देखते मिलेगा, जब जब वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे परफेक्टली व्हाइट देखने मिलेगा। देख सकते हैं ये हमारा हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे फिर से आपको जो आपने नीचे वाला लेवर है उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे सॉर्च करना है जूम ब्लर, उसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, ओपन करना है। उसका जो स्ट्रेंथ है 0.18 कर लेना है, जो कि इस तरह आ जाएगा। फिर से ये 3 डॉट में जाना है, जाने के बाद ये जो जूम ब्लर को इधर से डुप्लीकेट कर लेना है और एक बार उसको ऐड कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने में लास्ट में एक इफेक्ट ऐड करना है, तो इसके लिए ऐड इफेक्ट में जाना है, शॉर्ट्स में जाना है। जाने के बाद आपको जैसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट उसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ब्राइटनेस आपको जैसे इंक्रीज करके आपको +65% कर लेना है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट 0 आपको जैसे 25+25 आपको रख लेना है। तो देख सकते हैं इधर से हमारा टेक्स्ट जो कि इस तरह कुछ देखने मिला, देख सकते हैं कितना अच्छा जो कि लग रहा है। तो इधर से थोड़ा लैग करा है क्योंकि इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, अब वीडियो को जब एक्सपोर्ट करेंगे परफेक्टली दिखाई देगा। तो ये हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए आपको ये दो लेयर को इधर से कॉप सिलेक्ट करना है,
कॉपी टू लेयर कर लेना है, उसके बाद इधर फास्ट लिरिक्स एंड रहता है उतना तक जाके आपको इधर से पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इधर से सेकेंड लिरिक्स जो है आपको पहले देखना है कि आपने जो सेकेंड लिरिक्स लिखे हैं वो कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड तक है उतना सेकंड तक परफेक्टली आ जाना है। आने के बाद इधर से मैं आ रहा था जहाँ हमारा जो सेकेंड लिरिक्स है वो 1.24 सेकंड तक है, तो जितना सेकंड तक उतना सेकंड आना है। टाइमिंग में जाकर उसका जो लिरिक्स आपको इधर से छोटा कर लेना है, उसके बाद आपको ऊपर वाला लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, एडिट में जाना है, एडिट में जाकर आपका जो भी सेकेंड लिरिक्स है इधर से लिख लेना है, तो हो गया। फिर से आपको नीचे वाले लेयर में जाना है, उसको इरेज कर लें, इरेज करने में जो भी सेकेंड लिरिक्स है जो आपने ऊपर लिखा था वही आपको इधर से लिख लेना। देख सकते हैं इधर से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, पहले लिरिक्स इस तरह हो गया, सेकेंड लिरिक्स इस तरह आएगा। फिर से आपको थर्ड लिरिक्स लिखने के लिए आपने जो कॉपी किया था उसको आपको इधर से पेस्ट करना है, उसके बाद लिरिक्स को चेंज करना है, टाइमिंग को सेट करना है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप जिधर भी आपका बीट मैक बीट आ रहा है जो कि स्टोर वाला साउंड आ रहा है उतना तक आपको पूरा टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। तो पूरा मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह देख सकते हैं जैसे स्टेप बाय स्टेप जितने भी लिरिक्स थे जैसे मैं लिख लिया, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जो लिरिक्स का लिख लेना है जो कि इधर से एक इफेक्ट आता है, तो उसी इफेक्ट तक यानी कि आपको इधर से 15.19 सेकंड तक आपको परफेक्टली इसी लिरिक्स को लिखना है। उसके बाद इधर से एक हमारा जो कि स्वर्ड वाला साउंड आता है तो इधर से हमको लिरिक्स को चेंज करना है और इफेक्ट को चेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिधर भी आपका एंड होता है उधर से तुम सातो जब लिखाते हैं तुम सातो उतना तक आना है, आने के बाद प्लस आइकन जाना है, टेक्स्ट में जाना है, जाने के बाद जो भी आप जो लिखना चाहते हैं तुम साथ हो तो इधर से आपको लिख लेना है। तो इधर से मैं लिख लेता हूँ, लिखने के बाद आपको बीचों बीच ले आना है, फॉन्ट में जाके ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, उसका टेक्स्ट साइज में जाने जाने के बाद उसका साइज आपको जैसे 56 PT कर लेना है, उसको एक लिन लाइन में इस तरह कर लेना है, इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे बैक करना है, बैक करने के बाद आपको थोड़ा आगे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, ग्रेडियंट में जाने जाने बाद ये जो ऊपर वाला कलर उसको रेड सिलेक्ट करना है, ये जो व्हाइट वाला है उसको आपको जैसे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, इस तरह कुछ आ जाएगा। उसको आपको अच्छी तरह से उसको एडजस्ट करना है जो कि इस तरह एक छोटा नीचे वाला एक ग्रेडियंट कलर यानी कि एक शैडो वाला दिखाई दे, तो इस तरह मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको आपको अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, तो इतना आपको कर लेना जो कि हो गया देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने अभी लिरिक्स लिखा है ये वाला उसको आपको प्ले करके सुनना है कि ये जो लिरिक्स है वो कितना सेकंड तक है, जितना सेकंड तक है उतना सेकंड तक आना है। आने के बाद आपको क्या करना है, इधर से लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको उसको उतना सेकंड तक ले आना है, देख सकते हैं इस तरह आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें इफेक्ट ऐड करना है, इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको आपको पहले ऐड कर लेना है आपको अलाइट मोशन में, अलाइट मोशन में ऐड करना है, उसको ओपन करना है जो कि इस तरह कुछ देखने मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट में जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, बैक करना है, बैक करने बाद जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको ओपन करना है, ओपन करने बाद आपको जो आपने लिखा था तुम साथ हो उसके ऊपर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाके थ्री डॉट में जाके पेस्ट इफेक्ट कर लेना, देख सकते हैं इधर से हमारा इफेक्ट इधर से ऐड हो गया, देख सकते हैं इस तरह कुछ देखने मिला। तो ये हो गया, फिर से आपको सेकंड लिरिक्स लिखने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर कर लेना, इस तरह खींच के उसको आपको आगे ले आना है, आगे लेने के बाद उसको आपको प्ले करके सुनना है अपने जो लिरिक्स लिखेंगे वो कितना सेकंड तक होगा, जितना सेकंड तक उतना सेकंड तक आना है, उसको आपको टाइमिंग को सेट कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड अभी आपने लिखा उसके ऊपर क्लिक करके इरेज कर लेना है, इरेज करने के बाद आपको इधर से जो भी लिरिक्स नेक्स्ट आपको आ रहा है उसको आपको इधर से लिख लेना है, देख सकते हैं इधर से ऐड हो गया, सिर्फ आपको लिरिक्स को चेंज करना है, तो देख सकते हैं इधर से हमारा इफेक्ट ऐड हो गया। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आपको कॉपी लेयर करना है, बाकी जितने भी लिरिक्स है स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। तो देख सकते हैं मैं पहले से लिख लिया था जब आपको दिखाने के लिए, दो लिरिक्स मैंने लिख लिया, तो इस तरह करके आपको जितना भी एंड तक लिरिक्स है आपको इस तरह करके ये वाला इफेक्ट और इस तरह की टेक्स्ट लिख लेना है। तो फाइनल देख सकते हैं हमारा इधर से वीडियो रेडी हो गया। उसके बाद आपको देख सकते हैं इधर से जब भी हमारा इस तरह आएगा, जब भी इफेक्ट आएगा इस तरह एक जो कि इफेक्ट देखने में लिया, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके लिख लेना है। उसके बाद आपको स्टार्टिंग में आना है, आने बाद जो भी आपके चैनल का लोगो इधर से ऐड कर लेना है। तो फाइनली इधर से वीडियो रेडी हो गया, सेव करने के लिए शेयर ऑप्शन जाना है, वीडियो को फुल HD में एक्सपोर्ट कर लेना है।